So now it's time to say goodbye to this beautiful place. और हम लोग ये नीचे उतर रहे हैं, पूरा घूम घूम के उतरना पड़ेगा। अभी तक मैं देखा कि GoPro आ गई नहीं है। गाइस ये जितना इजी दिखता है ना उतना ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बल्कि बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज एक गलत रोड, एक गलत ट्रेन एंड बस यू आर डन। तुमको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। सर ट्रेन ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नीचे है, समझ नहीं आ रहा। भगवान बचा लेना। और फुरफुरा बालू भी है ना, बिकॉज दिस इज अ डेजर्ट, तो इसके चलते और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर स्लिप कर जा रहा है। एक बार इस प्लेन रोड में आ जाए तो और कोई टेंशन नहीं। पता है क्या हुआ, अभी स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया। अभी तक GoPro में नहीं दिख रहा होगा बट यू कैन फील कि अच्छा खासा स्नोफॉल होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज्यादा तो नहीं है फिलहाल अभी। गाइस वी आर फेसिंग स्नो स्टॉर्म। स्नो तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इधर छोटा पार्टिकल्स रहता है, लेकिन मतलब लिटरली बर्फीली हवा, जानता है जिसको बोलते हैं आइस, मेल्ट करके एसी को एकदम कम में करके जो अगर उसके सामने खड़े हो जाओ नॉन स्टॉप, मतलब उससे भी कम। सोचो तुम लोग एसी के सामने खड़े होते हैं -16-17 टेम्परेचर में, और हम लोग अभी है फिलहाल ये जो है ये ऑलमोस्ट -8 है या फिर -7 माइनस में अभी हम लोग है। ओ माय गॉड, बस जल्दी से होटल पहुंच रहे हैं। अब होटल में भी बहुत कम टेम्परेचर है लेकिन वो माइनस में नहीं है, कम से कम 3-4 में फ्लोट कर रहा। रात में तो कम से कम लाइट लिटरली 1-2 में ड्रॉप हो गया था टेम्परेचर, और सुबह 3 और 4। सर गाइस आते टाइम जो फुटेज मैंने आप सबको नहीं दिखाया था वो ज़्यादा टाइम इस जन्नत का फुटेज मैं आप सबको थोड़ा करके दिखाऊंगा जितना हमसे हो पाएगा। बाप रे, मेरे आगे जो पहाड़ दिख रहा है उसके भी आगे एक पहाड़ है, जो तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं एक पहाड़ और ये दो पहाड़, नहीं वो दो पहाड़ नहीं है, वो एक्चुअल में 3 पहाड़ है जिसके पीछे और एक पहाड़ है विच इज कम्प्लीटली फुल ऑफ स्नो, एंड इसीलिए आप सबको नहीं दिख रहा है। This is difficult but adventurous at the same time. Guys, अभी मैं पूरा अकेला और मेरे टीममेट्स नहीं है आसपास, ना आगे ना पीछे, सिर्फ आगे एक कार भी बन जा रहा है। अच्छा मैं जब बोला कि मेरे टीममेट्स नहीं है उनको गलत मत समझना, एक्चुअल में सबका इम्पैक्ट शुभम दा का भी हाथ जो है वो जवाब दे चुका था, राइट। एंड श्रेया को भी ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रहा था, और सबको प्रियांशु का जैसे मैंने देखा प्रियांशु क्रैश, अनुराधा का पैर में फ्रॉस्ट बाइट, अभिषेक बस ठीक है जो शुभम दा को पीछे बैठा के लेके जा रहा था, पीडी ठीक है, सोबिक इज ऑल्सो ऑल राइट, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ऑल्सो ऑल राइट। सो बेसिकली गाइस तो मेरा गाड़ी में तो फ्लैट टायर है, उसके लिए बिना रिस्क लिए मैं भाई थोड़ा लेट पहुँचूंगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना मुझे, तो इसलिए मैं एकदम आराम आराम से 20-30-24 के स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा पास प्रोटेक्शन है, ठीक है, जैकेट भी है, ग्लव्स भी है टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम कोल्ड ऑल्सो, सो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं होना चाहिए। और रोड भी मुझे याद हो गया, सो धीरे धीरे जाऊँगा। और गाड़ी में ऐसा नहीं है कि फ्यूल का भी कमती है, हाँ बस भगवान ना करे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना दे तब सर मैं अकेला फंस जाऊँगा, वो नहीं होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाऊँगा किसी ने, क्योंकि देखिए ना मुझे किसी का नंबर याद है पहला बार, एंड मतलब और यहाँ पे क्या जियो वगैरह का सिम काम में नहीं करता है, कभी कभार करता है, अभी तो है तो सिर्फ एयरटेल का और कुछ नहीं, सिर्फ एयरटेल। सो बैड ऑफ रोड यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। सामने का जो सीन है वो एक बार देखो गाइस, इससे भरा हुआ है, क्या नाम है
का स्नो कैप्ड माउंटेन्स अभी स्लिप किया था मैंने, बदल लिया स्नो कैप्ड माउंटेन्स। देखो याक का झुंड, तो तुम लोगों को याक देखने में मिल गया व्लॉग में मेरा। स्नोफॉल जो है वो बहुत जोरों की स्टार्ट हो चुकी है, अब आप सबको तो कैमरा में दिख ही रहा होगा स्नोफॉल जो है वो कितना ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ एक से, My life, my first time snowfall experience, guys, experiencing the first snowfall of my life, literally the first snowfall, life, my first snowfall experience, next level, and upper complete snow-capped mountains. The smooth snow. Next level, yeah, next level. I'm living my dreams. मन तो कर रहा है साला गाड़ी रखो और स्नो में कूद जाओ, लेकिन वेदर अभी सही नहीं है। और बोला ना जैसे कि श्रेया अभी रो रही थी बिकॉज मतलब क्या बोले, डर से रो रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वैसा डरना नहीं है, एडवेंचर करने आया है, टूर करने आया है, सेफली टूर करके एडवेंचर करके घर भी जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैं छोड़ दे रहा हूँ यार प्लान, फिर कभी मम्मी पापा के साथ कश्मीर जाऊँगा तब एक्सपीरियंस करूँगा। Best day of 2023. Seriously, the best day of 2023. Wow, snow. Wow. एक बार मैं स्नो छू लिया मेरा दिल खुश हो गया। जब भी मैंने स्नो देखा मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। लिविंग अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस मैन, बहुत ही अलग और बहुत ही खतरनाक, तकलीफदार एक्चुअल में नहीं, बट ओनली बिकॉज मेरा गाड़ी का फ्रंट एंड में हवा नहीं है और जर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा जोर से हिट कर रहा है, मुझे उसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ा और फ्रंट एंड जो हैवी हो गया तो मुझे इस ठंड में मैनेवर करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट कोई नहीं, वी आर ट्रैवलर्स, वी ट्रैवल, वी डू एडवेंचर्स। आई मिस दिस इनसेन मैजेस्टिक व्यू, क्या जबरदस्त लग रहा है यार, क्या जबरदस्त लग रहा है, इंसेन व्यू। लेकिन मैं वाइजर उतर के बार बार ये नहीं, वाइजर खोल के नहीं ब्लॉक कर पाऊंगा बिकॉज स्नोफॉल हो रहा है, बस स्नो मेरे हेलमेट के अंदर आकर छुप रहा है। सो नो ब्लॉगिंग एनी मोर, आप लोग बस सीन इंजॉय करो। वेदर क्लियर था लेकिन अभी वेदर बहुत खराब है, बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहे हैं गाइज। और जब हम लोग आए थे तुम लोग शायद ब्लॉग में देखे भी होंगे कि ये सब नहीं था, लेकिन इतना स्नो नहीं था, अभी सब कुछ क्लियर दिख रहा था पर अभी कुछ नहीं दिख रहा,
है जहाँ टैंक वगैरह रखा रहता है, दीज आर फिल्ड विद स्नो राइट नाउ। अरे बाबरी, अरे ठीक है, थैंक गॉड ये रास्ता मिल गया। ये सब स्नो जो है, ये सब कम्प्लीटली फ्रेश स्नो है, ये सुबह नहीं था इतना। ओह माय गॉड, इसके पहले मतलब अच्छा खासा ये हुआ स्नोफॉल हुआ, समझ में आ रहा है। इनका रात का फुटेज का जो लॉस हुआ वो आज ही सब कवर कर देगा तुम्हारा भाई। मेरे को प्रियांशु और आकाश को लेकर टेंशन हो रहा है, वो दोनों पीछे है और बाकी सब आगे है और मैं हूं रास्ता थोड़ा ठीक होगा। स्नो दिख के मेरा दिल खुश हो गया। पूरा फुल वाइट, एक छोटा सा वाटरफॉल था। धीरे धीरे स्नो भी घट जा रहा है, ऑल्टीट्यूड से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो स्नो भी घट रहा है, काफी गिर जाता है पता है। बहुत केयरफुल यहाँ पड़ेगा पूरा, मतलब जैसे ही रेन या स्नो होता है ना वैसे ही पत्थर वगैरह गिरने का डर रहता है। सो यू हैव टू टेक इट विद सुपर कॉशियस प्रिकॉशन। और वो टर्न आकाश के लिए वेट कर रहे हैं, पीछे रह गया एंड प्रियांशु भी आ गया अभी तक, थोड़ा बैठ रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा ये चल रहा है, वेदर चल रहा है, बड़ी डेंजरस वेदर है भाई, ओह बहुत ठंड है। सुबह सुबह गार्ड नहीं दिया हुआ था, अभी देख रहे इसमें गार्ड दिया हुआ है। इश आर्मी व्हीकल था यार, बहुत तकलीफ हो रहा है देख के, हमको क्यों लग रहा है ये ऊपर से गिरा है। अरे यार दैट्स सो डिसहार्टनिंग। वाटरफॉल आप सब देख रहे हो, ये बड़ा सा वाटरफॉल, ये नीचे जाके वो झील में कम्प्लीटली सबमर्ज हो जा रहा है। और इधर मेरे साइड में तुम लोग देख सकते हो वही झील जिसका मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है वहाँ चेंज। सर फाइनली गाइस हम लोग घुस गए हैं लाचेन, एंड ये है एक स्कूल लाचेन, एंड शायद हम लोगों का जो होटल है वो इधर ही है, एक बार जाकर देख लेते हैं। ब्यूटीफुल लाचे ठीक है, और अभी मैं रवाना हो गया अपने होटल की तरफ, थोड़ा देर में मैं पहुंच जाऊंगा। सो गाइस ये वीडियो हो गया है एडिट कंप्लीट। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, ये जो इसके पहले है गुरुडोंगमार वाला वीडियो, लेकिन ये मैं बनाया लेकिन इसको ना एक्सपोर्ट होते होते ये दोबारा एक्सपोर्ट हो गया, मतलब ये एक बार भी कम्प्लीटली एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। सो आई एम वेरी लाइक आई एम वेरी वरिड अबाउट दिस वीडियो कि क्या होगा, पूरा 8-10 घंटे का मेहनत बेकार जाने वाला है क्या, आई डोंट नो। सो इसीलिए मैंने इसका बाद वाला जो पार्ट है ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बना दिया, ठीक है, जस्ट 15 क्लोज टू 15 मिनट्स का मैंने बना दिया, एंड आई हैव किप्ट इट वेरी रॉ बिकॉज दिस आई वॉन्टेड टू कीप इट एज अ रॉ एक्सपीरियंस। इसमें आपको ज़्यादा म्यूजिक या एडिटिंग देखने नहीं मिलेगा, जस्ट रॉ फुटेज है, ठीक है।
सो गाइस प्लीज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, लाइक कुछ माइंड मत करना, बस मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ इसीलिए वही दिक्कत है।